नमस्कार बच्चों, प्राथमिक विद्यालय में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग सोलर सिस्टम यानी कि हमारा जो सौर मंडल है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए, और सौर मंडल के साथ ये तो हम देखेंगे ही, इसके अलावा हम आपको इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे, हर चीज दिखाएंगे आज आपको कि कैसे हमारी पृथ्वी घूमती है अपनी धुरी पर, कौन कौन ग्रह हमारे सौर मंडल में शामिल हैं, और दिन रात कैसे होता है, ऋतुओं का परिवर्तन कैसे होता है। इसके अलावा आपको ये भी इसमें सीखने को मिलने वाला है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है। तो बच्चों आ जाइए, देखिए ये हमारा तो सूरज क्या है, सूरज एक तारा है। सूरज क्या है? तारा है, का मिक्सर है, मिश्रण है, ठीक है। इससे हमारा ये सूरज बना हुआ है और सारे ग्रह जो हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं या परिक्रमा करते हैं। बच्चों ये जो सूरज है, सूरज के अंतर्गत जो ग्रह आते हैं उसी को सौर परिवार कहते हैं, उसी को सौर मंडल कहा जाता है। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले उसके आकार के आधार पर कौन कौन से ग्रह हमारे सौर मंडल में शामिल है। तो नंबर एक पहला जो ग्रह है बुध। अब बुध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मरकरी। क्या कहते हैं बच्चों? मरकरी कहते हैं। नंबर दूसरे बुध जो है ये सबसे छोटा ग्रह है। बुध कैसा ग्रह है? सबसे छोटा ग्रह है और ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। नंबर दो शुक्र ग्रह है। शुक्र को वीनस कहा जाता है और बच्चों शुक्र को पृथ्वी का बहन भी कहते हैं। पृथ्वी की क्या कहते हैं? बहन भी कहते हैं। और शुक्र का एक और नाम है का तारा भी कहते हैं, सांझ या सुबह का तारा भी कहते हैं शुक्र को। नंबर तीसरा जो ग्रह है वो आता है पृथ्वी। पृथ्वी यानी अभी तक जो इन ग्रहों जो जितने ग्रहों की खोज हुई है, पृथ्वी मात्र एक ऐसा ग्रह है बच्चों जिसमें क्या है? जीवन है। इसमें क्या है? जीवन है, जहाँ पर मनुष्य रहता है, जहाँ पर जानवर रहते हैं। ग्रह है हमारा पृथ्वी, हरा भरा ग्रह है। यहाँ जल है, यहाँ पर वायु है, और जिसके कारण यहाँ पर क्या है। तो हम अगले ग्रह की बात करेंगे, मंगल। ये मास कहते हैं। क्या कहते हैं? मास कहते हैं। ये लाल कलर का ग्रह है। कैसा ग्रह है? लाल ग्रह। कौन सा ग्रह है? चौथा। इसके उपग्रह भी होते हैं जैसे, और उपग्रह का मतलब ये होता है कि जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह होते हैं, और जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? ग्रह कहते हैं। और जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं, तो पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम बच्चों क्या है? चंद्रमा। अगला ग्रह हमने बताया आपको मंगल, मार्स है, ये दिखने में लाल है। और इसके बाद सबसे बड़ा जो ग्रह है उसका नाम है जुपिटर। क्या नाम है? जुपिटर। और जुपिटर को क्या कहते हैं? कहते हैं। इसके बाद में इसके तो बहुत सारे उपग्रह, बहुत सारे उपग्रह है। तो अगला ग्रह आता है आपका शनि। और शनि की पहचान, ये बच्चों दिखने में काला लगता है और इसके चारों तरफ रिंग रहता है। ये रिंग सा दिखाई दे रहा है आपको? इसके चारों तरफ रिंग रहता है, तो ये आपका क्या है? शनि है। इसके बाद में अगला आपका ग्रह है अरुण। अगला ग्रह कौन सा है? अरुण। अरुण को क्या कहते हैं? यूरेनस। क्या कहते हैं? यूरेनस कहते हैं। और अगला ग्रह बच्चों है आपका नेपच्यून। नेपच्यून को हिंदी में क्या कहते हैं? वरुण। तो इस प्रकार से आपके बच्चों ये शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठवा शनि, सातवा अरुण और आठवा वरुण। तो हमारे सौर मंडल में बच्चों कितने ग्रह हैं? अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारा आखिर में सौर मंडल देखिए है कैसा, इस चित्र के माध्यम से आप पास आ जाओ। ये देखिए आप सबको बच्चों दिखाई दे रहा है? यस यस। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे
है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बृहस्पति। ठीक है, ये संख्या में कौन से नंबर का ग्रह है? देखिए पांचवा ग्रह, कौन सा ग्रह है? पांचवा सैटर्न। कौन सा? सैटर्न। काला, देखने में कैसा दिख रहा है? काला। इसके बाद में बच्चों जो अगला ग्रह है ये आपका कौन सा है? अरुण। कौन सा है? अरुण। अरुण यूरेनस कहते हैं। और इसके बाद में अगला ग्रह जिसको हम वरुण कहते हैं, क्या कहते हैं? वरुण। तो ये अच्छे से। अच्छा, इसके बाद में भी है हमारी